हाय एवरीवन, हाइजीन एंड यू में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं सोच कप पे रिव्यू बनाने वाली हूँ। मुझे काफ़ी लोग बड़े टाइम से बोल रहे थे और मैं बना नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था। उसके बाद मेरे हाथ में फ्रैक्चर भी लग गया। अब मेरी तबीयत बेटर है तो मैंने सोचा इसका रिव्यू वीडियो बनाया जाए। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं बताना चाहूँगी कि सोच कप मेरा ब्रांड है और मैं इसकी तारीफ इसलिए नहीं करूँगी कि ये मेरा ब्रांड है, बट मुझे ये इतना पसंद है इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम इस कप को लॉन्च करेंगे। और अगर आप जानते हो तो सिबेल कप है, एक फ्रेंच कंपनी, उनका कप है ये। ये फ्रांस में बनता है और हम उनके इंडिया पार्टनर हैं। सोच कप ऐसी पैकेजिंग में आता है, पेपर ट्यूब पैकेजिंग है और दो साइजेस में आता है। बड़ा साइज आता है ऐसे क्लॉथ बैग में जिसकी ये लाल रंग की स्ट्रिंग है, और छोटा साइज आता है इस क्लॉथ पैक में जिसकी नीली रंग की स्ट्रिंग है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास छोटा साइज है या बड़ा साइज है। और ये दो कलर्स में अवेलेबल है, क्लियर और ऐसा गुलाबी रूज कलर है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसकी जो यूजर गाइड है हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ हिंदी की यूजर गाइड जो कप के साथ आती है, ऐसी दिखती है। डायग्राम्स बने हुए हैं और काफी इंफॉर्मेशन है जो नए यूजर्स को चाहिए रहती है पहली बार कप यूज करने के। तो इसके दो साइजेस हैं, छोटे साइज का डायामीटर है 41 और बड़े साइज का डायामीटर है 46। छोटे साइज की लेंथ है 47 और बड़े साइज की लेंथ है 52, बिना इसके तने के अगर देखे तो। तने के साथ दोनों की लेंथ 74 है क्योंकि छोटे कप की तनी लंबी है बड़े कप की तनी से। तो टोटल लेंथ देखें तो दोनों की बराबर है। छोटे कप की कैपेसिटी यहाँ इसके एयर होल तक देखी जाए तो 18.5 मिलीलीटर है और ऊपर तक देखी जाए तो 20। बड़े कप की कैपेसिटी एयर होल तक है 27 मिलीमीटर और ऊपर तक है 30 मिलीमीटर। इसकी कैपेसिटी काफ़ी दूसरे कप से कंपैरिजन में ज़्यादा रहे तो आपको अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपको उतनी जल्दी बदलना नहीं पड़ेगा अगर हम दूसरे कप से कंपेयर करें तो। इस कप की शेप मुझे काफ़ी पसंद है। कप्स या तो वी शेप के होते हैं तो नीचे से काफ़ी पतले रहते हैं, या यू शेप के होते हैं जो नीचे से काफ़ी मोटे रहते हैं। जो पतले रहते हैं वी शेप के होते हैं उनका ड्रॉबैक ये है कि कैपेसिटी उनमें कम होती है तो आपको जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है अगर आपका फ्लो हैवी है। और जो यू शेप कप्स हैं मुझे लगता है वो क्योंकि इतने मोटे रहते हैं तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर डालते हैं और आपको बार बार अनईजी फीलिंग रहती है, ऐसे लगता है जैसे टॉयलेट जाना है या टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम होती है। तो सोच कप की शेप कहीं उन दोनों के बीच में है, नीचे से ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है। और जो नीचे से यू शेप रहते हैं मुझे उन्हें रिमूव करने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको ग्रिप करना और निकालना कई बार थोड़ा सा टफ रहता है। इसकी रिम भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अगर आप देखें ध्यान से शेप बहुत मोटी भी नहीं है और फिर भी काफ़ी प्रोट्रूडिंग है। तो इसकी शेप ऐसी है जिससे कप आप जैसे ही इंसर्ट करते हैं बहुत आसानी से खुल जाता है और ये आपकी वजाइनल वॉल से यानी कि मांसपेशियों से अच्छे से सील बना लेता है तो लीक नहीं करता है। अगर आप लेटे हैं, भाग रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, किसी भी समय, कोई भी एक्सरसाइज के समय ये लीक नहीं करता है। ज़्यादातर मासिक कप जो बाज़ार में मिल रहे हैं सब में यहाँ पर ग्रिप लाइंस रहती हैं जो इसमें नहीं है। और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्योंकि इसमें ग्रिप लाइंस नहीं हैं तो हम इसे रिमूव कैसे करेंगे, पकड़ते टाइम फिसलेगा। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बॉडी में ये लंबी लंबी लाइंस हैं जो दूसरे कप्स में नहीं दिखती हैं। ये लाइनें आपको ग्रिप देने में मदद करती है। तो जब आप रिमूव करना चाहते हैं आपको कप को यहाँ से पकड़ना है और इसकी ग्रिप यहाँ से लेके निकालना है। और दूसरा फ़ायदा इन लाइनों का ये है कि अगेन जब आप इसको पहनते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये काफ़ी जल्दी आसानी से खुल जाता है। इसकी तनी देखें तो काफ़ी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है ये, और एंड में इसके ये गोल सा बना हुआ है बल्ब के जैसा, तो बहुत सॉफ्ट है। अगर आपका योनि की लंबाई ज़्यादा है तो आप जब ये कप पहनेंगे तो आपको पूरी तनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आप इसे काटेंगे नहीं। पर क्योंकि ये इसकी शेप ऐसी है ये बिल्कुल नहीं चुभता। पर अगर आपकी योनि की लंबाई कम है तो आप इसकी तनी को काट सकते हैं, और क्योंकि ये इतनी पतली और सॉफ्ट है वो तब भी नहीं चुभेगी। सोच कप आपके लिए सूटेबल है, किसी भी योनि की लंबाई के लिए सूटेबल है, कम हो या ज़्यादा हो। अगर योनि की लंबाई बहुत ही कम है जैसे सिर्फ इतनी ही है
तब आपको शायद ये कप नहीं पहना जाएगा, उस केस में आपसे कोई भी कप नहीं पहना जाता। सबसे छोटा कप आप ट्राई कर सकते हैं मिलूना शॉर्टी। अगर हम काफी सारे कप्स की तुलना करें तो सोच कप मुलायम कप्स में आता है, और काफी लोग कहते हैं कि मुलायम कप उनके लिए खुलता नहीं है या लीक करता है। लीकेज की प्रॉब्लम तो मुझे इस कप से बिल्कुल भी नहीं आई और खुलने की भी नहीं आई, पर एक ट्रिक है मेरे पास जो मैं हमेशा यूज करती हूँ और एक बार पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि जब भी आप कप को फोल्ड करते हैं उसका ये जो एयर होल है फोल्ड के बीच में होना चाहिए। तो ये जहाँ देखें अगर ये होल है तो आप इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करें, और जब इंसर्ट करते हैं इस तरह करने के बजाय इसको ऐसे घुमा लें और ये जो फोल्ड है अपनी तरफ करके फिर इंसर्ट करें। उससे क्या होता है, जो बॉडी में अंदर जाता है आपकी प्यूबिक बोन इस पर अटकती नहीं है और ये आराम से डालते ही खुल जाता है। अगर आपको कप का कौन सा साइज चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है तो आप हाइजीन न्यू पे या सोच की वेबसाइट पे क्विज ले सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा साइज आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और अगर आप ये कप खरीदना चाहते हैं तो आप हाइजीन न्यू से, अमेजोन से या सोच ग्रीन वेबसाइट से ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल था, पर अगर आपके पास अभी भी कोई भी सवाल है इस कप के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं जवाब ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।